जीतू भैया लग रहे हैं टाइगर श्रॉफ। निखिल बाबू लग तो रहे हो टाइगर श्रॉफ, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो है ना वो हलवाई हैं, जैकी श्रॉफ नहीं है। और मुंबई में तुम्हारे जैसे लाखों मसल की दुकानें रोज ग्लैमर के दरवाजे पर मत्था टेकने जाती हैं, लेकिन सिनेमा देवी जो है ना वो एकाध कोई दर्शन देती है। वो पहले बता देना, बाद में ना कहना। हाँ, लेकिन अगर माथा टेकेंगे नहीं, मन्नत मांगेंगे नहीं, तो सिनेमा देवी कैसे मेहरबान होंगी? क्योंकि ऐसा है, मुंबई तो हम जाएंगे। बंसी! अरे ओ बंसी! जी भैया। यहाँ आओ, तुम्हारी हीरोइन बहुत नखरे कर रही है। चलो अपनी रबड़ी संभालो। कह रही बंसी के बिना नहीं बनूंगी। पापा, जीतू भैया बहुत कमाल का पोर्टफोलियो बनाया इस बार। रबड़ी बन गई? हाँ, मैं मुंबई जाके करियर बनाना। 6 साल दिए तैयारी में, 6 महीने नहीं दे सकते आप। लेकिन ये जो डोले सोले बनाए हो ना, इसे रबड़ी बनाने में लगा दो, आगे चलकर ये तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा। और ये एक्टिंग वैक्टिंग का भूत उतार दो, हम परमिशन देने वाले नहीं है। 1,00,000 बार मना कर चुके हैं और 10,00,000 बार वही बोलेंगे। गिरिराज भैया, बेटा 4 चाय 2 प्लेट समोसा चटनी अलग से दे दे। बंसी, रबड़ी बनी? अरे रबड़ी बन जाएगी भैया, हमारी बात सुनो। वो अब पापा से बात करो ना, कभी तो हमारा साइड लिया करो। निखिल, तुम्हें क्या लगता है मुंबई जाकर हीरो बनना आसान काम है? माचिस के डिब्बी के बराबर कमरा पूरे 15,000 रुपये में मिलता है, और ऊपर से हीरो बनने जा रहे हो, हमाल बनने तो नहीं जा रहे हो। बाल से लेकर खाल तक के खर्चे ही खर्चे, 50,000 रुपये महीना पड़ेगा पूरा। भैया हम क्या कह रहे थे? 4 नंबर, जल्दी जाओ। माँ देखो, मुंबई में ना मीटर डाउन कहते हैं, और एक बार एक एक्टर का मीटर डाउन मतलब दिन के 5,000। अब महीने का 25 दिन भी पकड़ लो तो फिर आप हिसाब लगा लो। हिसाब किताब तो ना तेरे बाबूजी और मुकेश भाई जानते हैं बेटा। लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं जानते वो। वो ये नहीं जानते कि हम सोने की मुर्गी बन सकते। माँ तुम तो समझो, तुम तो हमें नाना कहो। एक्टिंग इधर बनारस में भी तो होती है अपने, है? कितनी सारी नाटक बन लिया है इधर। माँ हमें रामलीला का विभीषण नहीं बनना है, हमको सुपरस्टार बनना है। और क्या आप नहीं चाहती आप हमको यहां बैठ के टीवी पे मोहल्ले की औरतों के साथ देखो? मां वहां जाके कैसे आलतू फालतू लोग चमक जाते देखती हो ना, और हम जाएंगे तो पर्दे पे आग लगा देंगे ना। आग तो हमारे कलेजे में लग जाएगी बेटा। अरे इतनी दूर कौन ख्याल रखेगा तेरा? मां ऐसा है कि हमारे एम्बिशन को समझ पाना ना आप सबके बस के बाहर है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। अब जो करना है हम खुद ही कर लेंगे।
कानपुर पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो साहब, हमारी जान खतरे में, साहब साहब हमको बचा लो साहब। कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? हमारा नाम आलोक पांडे, हम बड़ी चट्टान गाँव ना उसके पीछे वाले इलाके में छुपे हुए साहब, साहब लोग हमको ढूंढ लेंगे तो मार देंगे साहब, हमको बचा लो। ये आप ही का नंबर है 444-56789? हाँ साहब जी, ये हमारा नंबर है साहब, थोड़ा जल्दी कीजिए साहब। मैं नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क कर रहा हूँ, आपके पास मदद तुरंत पहुंचेगी। सर जी, आलोक पांडे का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, जल्दी चलो। लोकेशन क्या बताई थी आलोक पांडे ने? बड़ी चट्टान गांव के बाहरी रास्ता है, हम आलोक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फोन ऑफ है। हम काफी समय से बड़ी चट्टान गांव के बाहरी रोड पे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहां कोई आदमी दिख नहीं रहा है। सर, इस आलोक पांडे ने बस उतना एड्रेस दिया था, कह रहा था कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े, उसे मार डालेंगे। सर जी, उस खेत में आग जल रही है। ड्राइवर गाड़ी मारो। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखिए साहब। कैसे हुआ ये सब? हमें नहीं मालूम साहब। साहब ये जमीन हमारी है, हम तो घर में आराम से सो रहे थे, अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो हम उठ गए, फिर एक और फायरिंग हुई तो हम तुरंत बाहर आए देखने के लिए, और ये सब देखे हमने गोपी और चंदर को आवाज लगाई। सर शायद लाइसेंस था, जल गया, लेकिन नंबर बच गया। सर मोबाइल फोन। लगता मैं देरी हो गई, शायद यही वो आदमी था जिसने मैं मदद के लिए फोन किया था कंट्रोल रूम में। हेलो मीनाक्षी जी। जी आप कौन? जी मैं बड़ी चट्टान पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल दुबे बात कर रहा हूँ। आलोक पांडे आपके पति हैं? जी मेरे पति हैं। अब कहाँ है वो? मीनाक्षी जी आप जल्दी से बड़ी चट्टान सिविल हॉस्पिटल पहुँच जाइए। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? जी हमें एक डेड बॉडी मिली है और हमें शक है कि ये आलोक की है। माँ क्या हुआ, बाबा कहाँ है? एक गोली सर में, एक सीने में, पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया। कट्टा। डेथ तुरंत हुई होगी, फिर बॉडी को जलाया गया जिससे बॉडी का ऊपरी हिस्सा काफी हद तक जल गया। इनका नाम आलोक पांडे है, इन्होंने हमसे मदद मांगी थी मगर हम इनको बचा नहीं पाए। आज हम अपनी बिटिया के लिए चॉकलेट लाएंगे, इतना बड़ा चॉकलेट चाहिए। इतना बड़ा। आपका खुश रखो बे। अरे मीनाक्षी लेट हो रहे हैं हम, जाओ अम्मी के पास जाओ, जल्दी वापस आना। हाँ ठीक है। को कॉल आया था आलोक पांडे का, 12:47 को मैंने बड़े चट्टान थाने को सूचित कर दिया, एक सेकंड की भी देरी नहीं की। जी सर, जी अभी भेजता हूँ लोडेड रिपोर्ट। सर जी हमारे सब इंस्पेक्टर साहब, मैं, कांस्टेबल पंकज जोहरी और कांस्टेबल अनीश शर्मा, हम चारों 12:50 में थाने से पेट्रोलिंग गाड़ी में निकले थे। हाँ जी बिल्कुल, हमारी एंट्री है सर, हम अभी रजिस्टर की कॉपी भिजवा देते हैं। मीनाक्षी जी हमने आपके पति आलोक पांडे का पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आने के बाद एक सेकंड भी जाया नहीं किया, हम शायद थोड़ा लेट पहुंचे, खेद हमें इस बात का। 6 दिन से उनका फोन बंद आ रहा है। 6 दिन? 10 मार्च को वो ड्यूटी पे गए थे, तभी से फोन बंद आ रहा है उनका। कौन सी ड्यूटी करते हैं? कानपुर में ड्राइवर थे,
किसके यहाँ पर? आदित्य सिंह जी के। क्या काम करते हैं ये आदित्य सिंह? लकड़ी का बिजनेस करते। आपने उनको फोन नहीं किया? किया था, उनका फोन भी बंद है। माँ जी, कुछ पता चला आदित्य जी कहाँ गए? नहीं मीनाक्षी, हमसे बहुत परेशान है। हमारे पति आलोक का फोन भी बंद आ रहा है, हमें बहुत घबराहट हो रही है, बहुत डर लग रहा है। मंजू जी, क्या आपको कुछ पता है कि क्या हुआ है? 10 तारीख को हंसते मुस्कुराते हुए घर से निकले थे, लेकिन कल रात को जब कंट्रोल रूम में आलोक का फोन आया था तो वो बहुत घबराए हुए थे, हड़बड़ाए हुए थे। वो कह रहे थे कि कुछ लोग उनकी जान के पीछे पड़े हुए। मीनाक्षी जी, कौन हो सकते हैं ये? आलोक की किसी से कोई दुश्मनी थी या आदित्य सिंह की किसी से कोई दुश्मनी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। 10 मार्च को नया खेड़ा पुलिस भी आई थी, वो आलोक और आदित्य सिंह जी के बारे में पूछ रही थी। नया खेड़ा पुलिस? क्यों? आपके पति आलोक पांडे गए? वो तो सुबह काम पे चले गए। आलोक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसका मालिक आदित्य सिंह गायब है। मैडम, हुआ क्या है? किसी सुनील मल्ला का कत्ल हुआ है। आप जानती हैं सुनील मल्ला को? नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे पति का इन सब से क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि सुनील मल्ला का कत्ल आपके पति आलोक पांडे ने किया है। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? ये तो तभी पता चलेगा जब वो पकड़ा जाएगा। फिलहाल आलोक पांडे और आदित्य सिंह दोनों फरार हैं। एक पूरे हफ्ते ये आदित्य सिंह और उसका ड्राइवर आलोक पांडे कहाँ छिप सकते हैं? सर, आदित्य की माँ सावित्री और बहन मंजू दोनों के फोन सर्विलेंस पर हैं और उन लोगों के घर के बाहर पुलिस भी लगा रखी है। सर, आदित्य के टिम्बर वर्कशॉप के बाहर भी पुलिस लगा रखी है, कभी आ गया तो। 10 मार्च से कानपुर से निकलने वाले हर एग्जिट पॉइंट पर अलर्ट है। और इस सब के बावजूद कत्ल के एक हफ्ते बाद भी आदित्य सिंह और उसका ड्राइवर आलोक पांडे हमारे हाथ नहीं लगे। ये ड्राइवर आलोक पांडे और ये मालिक आदित्य सिंह, 99% चांसेस है कि ये शहर के किसी बिल में छुपे होंगे। कानपुर में मर्डर चार्ज साहब, ये आदित्य सिंह लॉज वॉज में छुपने वाला तो नहीं लगता साहब। और सर, 3-स्टार 4-स्टार होटलों और क्लबों में ट्राई कीजिए। ज्ञान नहीं चाहिए कहाँ ढूंढना है कहाँ नहीं, मुझे ये दोनों चाहिए और ये ढूंढने का काम तुम्हारा है, समझे? PSI आशीष चौबे। चौबे जी, मैं सब इंस्पेक्टर राहुल पाठक बोल रहा हूँ बड़े चट्टान पुलिस स्टेशन से। जी पाठक जी, बोलिए। आप आलोक पांडे को ढूंढ रहे हैं? जी, हाथ लगा? हाँ भी और नहीं भी, कल रात हमारे इलाके में मारा गया। आलोक यहीं था नया खेड़ा में? हाँ सर, कंट्रोल रूम में उसने फोन करके कहा कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े। जब तक पुलिस टीम वहां पहुंची सब खत्म हो गया था, किसी ने कट्टे से गोली मार के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दी। आदित्य सिंह हो सकता है इसके पीछे? उसने मरवाया हो या फिर खुद मारा हो? सर, जब आलोक ने कंट्रोल रूम में फोन किया तो उसने इस बात की कोई हिंट नहीं दी कि उसके पीछे कौन लोग पड़े। सर, ये सुनील मल्ला का केस प्याज की तरह कई पड़ते हैं, इसमें एक के अंदर एक और सच्चाई बहुत अंदर छुपी है। ये लो। ये लड़का तो पहले से आया हुआ था, लेकिन बाद में एक बड़ी सी काली गाड़ी आई थी। गोली जिसने चलाई उसकी शक्ल देखी? मैडम, जब वो गोलियां चलाकर गाड़ी में भागकर बैठ रहा था तब हमने उसकी शक्ल देखी थी। उसके छोटे छोटे से बाल थे, गाड़ी भी वही चला रहा था। सर, विक्टिम के पर्स में लाइसेंस मिला है, सुनील मल्ला नाम है,
कानपुर का रहने वाला है, एड्रेस है इस पर। इमीडिएट फैमिली को कॉन्टैक्ट करो, लग रहा है कि पैसों का लेन देन चल रहा था और कुछ गड़बड़ हो गई। फिलहाल तो माजरा यही नजर आ रहा है। ओके सर। सुनील माला यहीं रहते हैं? जी हाँ, हमारा ही बेटा। बोलिए जी, आपके बेटे पे किसी ने गोली चला दी है। क्या, कैसे, कहाँ है वो? जी उनका देहांत हो गया, आपको हमारे साथ अस्पताल चलना पड़ेगा। एक गोली पीठ पे फायर हुई है। राम सेवक जी एक चश्मदीद गवाह है जिसने दो लोगों को देखा था जिन्होंने गोलियां चलाई। वो एक बड़ी काली गाड़ी में आए थे, हालांकि वो गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया। आदित्य सिंह। कौन आदित्य सिंह? सावित्री जी, हमारे कुछ पूछने से पहले ही आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। पूरा घर छान मारो, ऊपर नीचे जहां कहीं भी हो, घसीट निकालो इस आदित्य सिंह को। जी। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ, घर की तलाशी क्यों? हमें पता नहीं हुआ क्या है, लेकिन आदित्य इस वक्त घर पर नहीं है। कहां छुपाया आप लोगों ने आदित्य सिंह को? हमें नहीं पता कि आदित्य कहां चला गया। हाँ, वो घर जरूर आया था, काफी हड़बड़ाया हुआ था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। आदित्य, आदित्य बेटा, क्या हुआ? आदित्य, आदित्य बेटा, क्या हुआ? अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आदित्य, क्या बात है? आदित्य बेटा, कुछ तो बोलो। भैया, क्या कर रहे हैं आप ये? अभी के लिए इतना जान लीजिए कि हम जा रहे हैं, इसके आगे कुछ मत पूछिएगा और किसी को कुछ मत बताइएगा आप दोनों, ठीक है? पर भैया, आदित्य, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? आदित्य बेटा सुनो तो, भैया रुको, आदित्य। अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुजरिम का फोन ना लगना ये जाहिर सी बात है, और उसके घर वालों का इस तरह से नौटंकी करना उससे भी ज्यादा जाहिर और आम बात है। मैडम, घर में कोई नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो है, ये बताएंगे कहाँ है आदित्य सिंह। एक मिनट मैडम, हिटली साहब ये तो बताइए कि आप माजरा है क्या, क्यों आप हमारे भैया को ढूंढ रहे हैं? तुम्हारे भाई ने किसी का मर्डर किया है। किसका? किसी सुनील मल्ला का, तुम जानती हो उसे? उसके साथ गाड़ी में एक और बंदा था जो गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर है, दोस्त है, कौन है? आदित्य का ड्राइवर होगा, आलोक, आलोक पांडे। हमारे भैया आदित्य या आलोक किसी को मर्डर नहीं कर सकते। ये तो उससे भी ज्यादा जाहिर और आम बात है। छठे हुए बदमाश और मास मर्डर करने वालों की फैमिली भी यही कहती है कि हमारा लड़का फोन नहीं कर सकता, पर हमारे पास चश्मदीद गवाह है। इसके इंडस्ट्रियल स्टेट में एक दुकान थी हमारी, 2 साल पहले सुनील ने आदित्य को भेजा, 5 लाख रुपए बैलेंस था। लाख महीनों तो के बाद भी आदित्य लौटा नहीं रहा था। आदित्य जी, 2 साल से आपसे वादे किए जा रहे हैं। हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने आपको वो दुकान बेचा था। आपके लिए वो 5 लाख कुछ नहीं हो गया, बट हमारे लिए बहुत कुछ है। अबे ओ सुनील, ये अपने सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रोब हमें तो दिखा मत। अबे हम तुझे ठग नहीं रहे, तू अच्छी तरीके से जानता है कि तू कौन है और हम कौन है, तुम्हारा स्टेटस क्या है और हमारा स्टेटस क्या है। आदित्य जी, आप बड़े आदमी हैं, आपका स्टेटस ही बड़ा होगा, पर हम भी इंसान हैं, हमें भी पैसों की जरूरत पड़ती है। वो जो पैसा आप नहीं दे रहे वो हमारा पैसा है, और हमने सब कुछ कायदे से किया है ना, दुकान भी आपके नाम पे की है। अब हमारे 5 लाख रुपए दे दीजिए, हमसे और वेट नहीं हो रहा। वाह वाह, गुस्सा दिखा रहे। अरे तुमको बोले ना, पैसे दे देंगे तो मतलब दे देंगे, जब देंगे तब देंगे, उससे पहले तो देने वाले हैं नहीं हम, समझे? चलो फोन रख। बड़ा सुनील, हमने तुमसे पहले ही कहा था, धंधा और सौदा बराबर के लोगों में होता है, अब वो कहाँ और हम कहाँ? अरे यही सोच तो हमें छोटा होने बड़ा आदमी बनाती है ना बाबा। सोच को मारो गोली, अपने 5 लाख तो गए ना। अरे हमें थोड़ी मालूम था कि आदित्य सिंह ऐसे रंग दिखाएगा,
पिछले साल जब हम सिविल का काम किए थे उनकी कोठी पर, तब तो सारा पैसा चुका दिया था उन्होंने। पता नहीं पैसे क्यों अटका के रखा है दुकान के उन्होंने। 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। वो बड़े लोग हैं, सिर्फ 5 लाख के लिए मेरे बेटे सुनील को, जो वो मांग रहा था, मांग कह रहा था, दुकान बेची थी, हक था हमारा। राम सेवक जी, आपके बेटे की लाश के पास हमें 2 लाख नकद बरामद। पैसे देने के बहाने बुलाया सुनील को, छल किया, मार दिया मेरे बेटे को। साई बेट ने सूरज को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था। हाँ मैडम, यही गाड़ी थी मैडम, इसी गाड़ी में आए थे वो दोनों। मैडम यही आदमी था, यही था उस दिन जो गाड़ी चला रहा था, और हाँ गोली भी इसी ने चलाई थी। पक्का? 100% मैडम। और दूसरा कौन था गाड़ी में? ये जो उसके साइड में बैठा था, ठीक से तो बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मैडम यही बैठा था वो। तुम आलोक पांडे के घर जाओ, उसकी पत्नी से पूछताछ करो। मैं आदित्य सिंह की माँ के साथ पूछताछ करता हूँ। राइट सर। आशीष सर, शहर के सारे एग्जिट पॉइंट सील कर दो, मैन हंट लॉन्च कर दो आदित्य सिंह और आलोक पांडे के लिए। लेकिन एक बात खटक रही है, क्राइम सीन पर आदित्य सिंह अपने ड्राइवर आलोक पांडे के साथ गया, वहां पर फायरिंग आलोक पांडे ने की, लेकिन घर लौटते वक्त आदित्य सिंह खुद ड्राइव करके आया, तो फिर आलोक पांडे बीच में कहां गायब हो गया? 5 लाख के लिए आदित्य कत्ल करेगा? कभी नहीं। लेकिन माँ, ये लोग बोल रहे हैं ना कि सुनील की बॉडी के पास इनको 2 लाख कैश मिले, तो भैया ही उन्हें देने गए होंगे ना? सुनील पर गोलियां आलोक ने चलाई। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आदित्य ने खून किया है? आलोक गोलियां क्यों चलाए? सुनील के साथ दुश्मनी आदित्य की थी, आदित्य उसके 5 लाख रुपए नहीं दे रहा था, उसके हक के 5 लाख रुपए। ये भी तो हो सकता है कि 4 साल की वफादारी निभाने के लिए आलोक ने उस पर गोलियां चलाई। ये वफादारी नहीं, बेवकूफी होती। आलोक एक स्मार्ट आदमी है, वो इतना बड़ा जुर्म अपने सर पे क्यों लेगा सर? नहीं, सुनील को ना तो भैया ने मारा और ना ही उसे आलोक से मरवाया है सर। हमारे पास एक गवाह है जिसके सामने कत्ल हुआ है, और उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, अभी तक तो नहीं। अपने माँ को छोड़ के चला गया, क्यों बोला जी हम बड़े लोगों से? बहुत ज्यादा 5 लाख, सौदा ही नहीं करता उनसे। आज उस सौदे की कितनी बड़ी कीमत चुकाई मेरे बच्चे ने। सर हम आपसे कह चुके हैं, आदित्य ने हमें कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस कपड़े पैक किए और वो निकल गए। वो भागकर कहां जा सकता है? सावित्री जी, मंजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस शहर में नहीं, इस देश में नहीं, बल्कि इस दुनिया में जो लोग भी उसे पनाह दे सकते हैं, उनका नाम और एड्रेस चाहिए मुझे। आदित्य बुरी तरह से फंसा है, और अगर आप दोनों ने उसे बचाने की कोशिश की तो आप दोनों भी फंसोगे बुरी तरह से। बड़ी चट्टान गांव, यहां कहां छुप कर बैठा था तुम्हारा पति आलोक? हम नहीं जानते सर, हमारी तो इतने दिनों से उनसे बात भी नहीं हुई थी, और ये सब कुछ। मीनाक्षी जी, आलोक को सुनील मल्ला के केस में इस्तेमाल किया गया है, और फिर उसके बाद उसका भी मर्डर कर दिया गया। देखिए, हम ये दावे के साथ तो नहीं कह सकते कि ये बात सच है या फिर झूठ, पर ये सर जरूर है कि आपके पति आलोक ने सुनील मल्ला के ऊपर गोलियां चलाई। अगर तुम हमें बता सकती हो कि तुम्हारा पति आलोक और उसका मालिक आदित्य सिंह सुनील मल्ला का कत्ल करने के बाद कहां छुपकर बैठे हैं, तो हम थोड़ा जल्दी इस केस की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। सर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे पति आलोक पिछले 4 सालों से आदित्य साहब के वफादार रहे, उन्होंने अपना काम पूरी वफादारी से किया है। भले ही वो आदित्य साहब के साथ 3-4 दिन के लंबे दौरे पे जाना हो या फिर
या फिर मंजू को कॉलेज छोड़ना। ड्राइवरी के अलावा घर के सारे ही काम कर देते थे, आदित्य जी का, सावित्री जी का, मंजू का। हम जानते हैं अपने पति को, वो किसी को मार नहीं सकते। तो फिर आलोक भागा क्यों मीनाक्षी जी? 10 मार्च को सुनील मल्ला का कत्ल करने के बाद आलोक क्यों भागा? हमने कहा ना आपसे, वो नहीं मार सकते किसी को। देखिए, आपके पति इस दुनिया में नहीं, लेकिन आपकी बेटी है, सुनील मल्ला के घर वाले, इन लोगों के खातिर, अपने खातिर सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। हमारे पति एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक अच्छे पति थे, एक अच्छे पिता थे, अच्छी जिंदगी चल रही थी हमारी। हम जानते हैं कि वो किसी को नहीं मार सकते, कभी नहीं मार सकते। ये आदित्य सिंह इन दोनों मर्डर्स का मास्टरमाइंड हो सकता है। अपनी टीम बढ़ा दो, कोई कसर मत छोड़ना इस आदित्य सिंह को तलाश करने में। अब तो मुझे भी लग रहा है कि यह मर्डर 5 लाख रुपए के लिए नहीं हुआ है। कोई ड्राइवर भले ही वो कितना भी वफादार क्यों ना हो, वो अपने मालिक के लिए कट्टे का ट्रिगर क्यों दबाएगा? सिर्फ वफादारी के लिए। वफादारी सिर्फ भैया से ही होगी या हम भी तुमसे कुछ उम्मीद रखें? पहले तू बोल, मुझे कितना मिलेगा अगर इसके बारे में कुछ बताया? देख बेटा लक्ष्मण, तूने सवाल पूछ के साबित कर दिया कि तुझे कुछ पता है। अब ज्यादा नखरे मत कर, जो थोड़ा बहुत मिलेगा उसमें से तुझे कुछ दे दूंगा। अब सीधे सीधे बता, इस आदित्य सिंह के बारे में क्या जानता है? देख भाई, मुझे इसका नाम नहीं पता, तूने पहले फोटो दिखाई थी इसलिए मुझे शक्ल याद थी, बस ये है। हाँ यही। अब बता मुझे कितना मिलेगा? क्या कर रहा है भाई? पुलिस को फोन मिला रहा हूँ, वो लोग आएंगे तुझे उठाएंगे, ठोकेंगे और हलक से खबर निकाल। अरे अरे अंजुम भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। देखो तुम जितना दोगे ना हम रख लेंगे, बस दो बंदों का गेम बजा, ये मजाक नहीं। सीधे सीधे बोल, तूने इसे कहाँ देखा है? एक इम्तियाज शेख है मेरे गांव के, किसान है, उनके खेत में देखा है इसको। आजकल इसका नाश्ता पानी खाना वाना सब इम्तियाज भाई के घर से ही जाता है। इम्तियाज? हाँ दीदी जी, खाना। आदित्य सिंह, इधर तू भागा, उधर हमने तुझे भूला। भूनी तो हमारी किस्मत है सर, हमें बुरी तरह इस कांड में फंसाया गया। आप यकीन करें ना करें, हमें नहीं मालूम था जो हुआ दरअसल होने वाला है। तो वो बता जो तुझे लग रहा था होने वाला है, पर नहीं हुआ। आलोक ने हमें बुरी तरह फंसा दिया है, उसने हमारे कंधे पे कट्टा रख के सुनील को मार डाला। तेरा कंधा सार्वजनिक पैखाना है कि कोई भी इस्तेमाल कर ले, वो भी कत्ल के लिए? सर कत्ल वाली बात तो हमें पता ही नहीं थी। देखिए सर, हम मानते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर सुनील मल्ला को हमें 5 लाख रुपए देने थे और हमने उसे लटकाया 2 साल, लेकिन उसके तानों से तंग आकर हमने 2 लाख रुपए जुगाड़े और वही देने के लिए हमने मीटिंग फिक्स की थी। पूरे 5 दे रहे हैं ना रितेश जी? इस हफ्ते 2 दे रहा हूँ, बाकी के 3 अगले हफ्ते। देख सुनील, ज्यादा ड्रामा ना कर, चुपचाप ले ले। इस वक्त कहाँ है तू? हम यहाँ लालबाग की एक साइड पर है। हम जा रहे हैं चांदपुर, और लालबाग रास्ते में तो पड़ता नहीं है। नहीं वो तो नहीं आता, क्या करें? ठीक है, हम पास से गुजरेंगे। हाँ तो एक काम करते हैं ना, सुनील ने कहा कि वो राम मंदिर वाले रास्ते पर मिले, हमने कहा ठीक है चांदपुर के रास्ते पर ही पड़ता है। चांदपुर में क्या काम था? शौकत अली, हमारा वहाँ का टिम्बर सप्लाई वही देखता है। सर नंबर दे देते हैं। नंबर भी लेंगे?
पहले तो ठीक से मेरे सवालों के जवाब दे। कट्टा कहां से लिया तूने? सर वही तो हमें मालूम ही नहीं था, कोई भनकी नहीं थी कि आलोक ने गाड़ी में कट्टा छुपा रखा है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें तो सर इतना पता था कि हमें उसे 2 लाख रुपए देने हैं और अगले हफ्ते 3 लाख देके पिंड छुड़ाना है। पहुंचने तक भी हमें भनक नहीं लगी कि आलोक के दिमाग में आखिर पक क्या रहा है। ये लो पूरे 2 लाख हैं, चाहे तो गिन लो। अरे नहीं यार रितेश जी, हमें भरोसा है आप पर, बस बाकी ये 3 अगले हफ्ते दे दीजिएगा, जान में जान आ जाएगी। अरे तुम्हारी जान लेने का हमारा कोई इरादा नहीं, अगले सोमवार फोन पर बात कर लेंगे, बाकी बैलेंस तब क्लियर कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। बैठो भैया गाड़ी में, बैठो जल्दी भैया, बैठो जल्दी। मानो डर के मारे लकवा मार गया हमें। सर समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ क्यों हुआ, और आलोक ने सुनील को गोली क्यों मार दी? ये क्या कर दिया आलोक? उस साले के वही औकात थे, ज्यादा ना पूछिए हमसे आप। अरे अब तो जो पूछेगी पुलिस पूछेगी। चलो गाड़ी को थाने ले चलो। एक गोली और लोड की है, चुपचाप बैठे रहिए। तुम हमको मारोगे? नहीं, लेकिन पर्सनल मामले में पड़े ना तो मारने में देर न लगेंगे भगवान कसम। अबे सुनील का पंगा हमारे साथ था, हमने उसे पैसे देने के लिए बुलाया था, उसे पैसे दिए, तुम्हारा पर्सनल मामला कहां से आ गया? पुलिस के पास जाने की गलती भी ना करना, वरना पुलिस 2 और 2 4 की गणित में उस्ताद होती है, और इस पूरी साजिश के बादशाह आप बन के उभरेंगे। आपने खुद ही बोला था ना कि सुनील के साथ आपका पंगा है, और उसको फोन करके आपने ही बुलाया था। हम तो बस एक मोहरा है, तो जो भी करना सोच समझ के करना। चलते राम राम। हेलो, फिर हम सीधा घर पहुंचे और अपना सामान बांधा और घर पर ही फोन बंद करके छुपा दिया और भाग गए वहां से। कच्ची स्टोरी है आदित्य सिंह। स्टोरी नहीं है सर, सच है, पर समझ से बाहर है, क्योंकि आलोक सुनील को सिर्फ मेरे जरिए जानता था। फिर उसने सुनील को क्यों मारा, और वो किस पर्सनल मामले की बात कर रहा था? या फिर किसी ने उसे पैसे दिए हमें फंसाने के लिए? पर क्यों? ये सवाल ना हम सुनील से पूछ सकते हैं और ना ही आलोक से, क्योंकि तूने आलोक को गोली मार दी और उसके बाद उसकी लाश को जला दिया। क्या? आलोक ये क्या क्या वाली रटना कहीं और लगाना, बहुत सुन चुके हम ये। तो फिलहाल ये बता कि आलोक और सुनील इन दोनों को मारने का कारण क्या था? देखिए 10 तारीख से मैं इम्तियाज के खेत में सड़ा था, किसी को एक फोन तक नहीं किया मैंने। अब आप कह रहे हैं कि आलोक मारा गया? क्या हो क्या रहा है? रोएगा नहीं, बेहोश नहीं होगा? ये आधी अधूरी एक्टिंग क्यों आदित्य सिंह? प्लीज सर। नहीं प्लीज का बच्चा, सीधे सीधे बोल, किसे भेजा था आलोक के पीछे? बड़ी चट्टान गांव के खेतों में किसने मार डाला उसे? सर लॉजिक क्या है इसमें? सर देखिए सर, हमें सुनील को 5 लाख रुपए देने थे, 2 लाख अभी दिए, 3 लाख हम अगले हफ्ते देने वाले थे बस, और सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए हम सुनील को मार देंगे फिर आलोक को? सर प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कोठी है, अच्छा खासा बिजनेस है, इलाके में हमारी इज्जत है, खानदानी लोग हैं हम, और ये सब कुछ हम दांव पे लगा देंगे सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए? सर कुछ तो सोचिए सर। आदित्य जी क्या कर सकते, करवा सकते, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है सर। सर जो हुआ वो ये कि 10 तारीख को आदित्य जी हमारे पास आए, बोले कि आलोक ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया और हमें फंसा दिया पूरी तरह। और तू एक खूनी को पना देकर फंसने के लिए तैयार हो गया? तू तो आलोक पांडे से भी बड़ा वफादार कुत्ता निकला रे। सच सच बता, आलोक पांडे को मारने के लिए कौन लोग आए थे, और आदित्य से मिलने के लिए तेरे खेत पर कौन आया था? नहीं सर कोई नहीं आया, और आदित्य जी भी हमारे खेतों से एक बार भी बाहर नहीं गए सब, और तो हमने उनको खुद बोला कि आपको फोन ला के दे, इतना डरे हुए थे कि वो भी मना कर दिया। और सर उनका तो लकड़ियों का बिजनेस है, लाखों की बिल्डिंग होती है, 5 लाख के लिए 2 दुकान। पॉइंट तो है, 5 लाख के लिए 2 2 मर्डर, वो भी एक टिम्बर मर्चेंट के हाथ। यस सर, गड़बड़ तो है,
पर सर अगर 5 लाख नहीं तो फिर क्या? सर हो सकता है आदित्य सिंह का कोई दुश्मन हो जिसने आलोक को खरीदा हो आदित्य को फंसाने के, और बाद में इस मास्टरमाइंड ने आलोक को भी अपने रास्ते से हटा दिया ताकि सारा का सारा शक आदित्य पर जाए। कोई बहुत तगड़ा षड्यंत्र लगता है सर। पर किस लिए इतना तगड़ा षड्यंत्र? दो दो मर्डर, कौन है मास्टरमाइंड जो इतना बड़ा रिस्क ले बैठा है? पुलिस कंट्रोल रूम। साहब हमारी जान खतरे में। साहब ये लोग हमको मारते के साथ। कौन बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो? साहब हम, हमारा नाम आलोक पांडे, हम बड़ी चट्टान गांव में उसके पीछे वाले इलाके में छुपे हुए। साहब लोग हमको ढूंढ लेंगे तो मार देंगे। साहब हमको बचा लो। आपका नंबर यही है 444-56789? हाँ साहब जी, ये हमारा नंबर है। साहब थोड़ा जल्दी खींचे साहब। सर 10 मार्च से आलोक का फोन स्विच ऑफ था। सिर्फ ये कॉल करने के लिए 16 मार्च को उसका फोन ऑन हुआ पुलिस कंट्रोल रूम में, वो भी रात को 12:45 में। सर इस इम्तियाज को हमने खूब तोड़ा, इसके सारे फोन रिकॉर्ड्स भी खंगाले, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सर अगर आदित्य सिंह मास्टरमाइंड है तो जरूर उसने किराए के हथियारों को हायर किया होगा आलोक का मर्डर करने के लिए। सर आई थिंक हमें खबरियों को इस सुपारी नेटवर्क के बारे में पता करने के लिए काम पे लगा देना चाहिए। वो तो करना ही है, पर इस वक्त मैं इस केस को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा, लेकिन एक फीलिंग जरूर है कि ये केस किसी एक ऐसे फाउंडेशन पर खड़ा है जो इस वक्त दूर दूर तक हमारे किसी भी रडार पर स्पॉट नहीं हो रहा। लड़के का नाम निखिल चौधरी है, 15 मार्च को वाराणसी से अपने घर से पैसे चुरा कर भागा है, पर अभी तक कोई खबर नहीं है इसकी। ठीक है, डिटेल्स भेज दो, हम केस पे लग जाते हैं। अजी हम कहते हैं कि उसने पैसे घर से ही चुराए ना, तो वो हमें फोन क्यों नहीं कर रहा? पूरा एक हफ्ता हो गया है। अरे माँ, शर्म के मारे फोन नहीं कर पा रहा होगा, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? हम ढूंढ निकालेंगे निखिल को। ठीक है, जिद्दी है निखिल, बेवकूफ है, मुंबई का फिल्मी कीड़ा घुसा पड़ा है, लेकिन हम सबको बिना बताए ऐसे लटका के काहे चला गया? कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा हूं? फिल्मी सपने पूरे करने के लिए मुंबई भागा हुआ लड़का, अब उसकी खोज का इस डबल मर्डर से क्या ताल्लुक था? सर आलोक पांडे का सुनील के साथ पर्सनल पंगे का जिक्र हुआ था, क्या कोई पर्सनल एंगल निकला था दोनों के बीच? निखिल का इस डबल मर्डर से क्या कनेक्शन था कि हमें उस वक्त बिल्कुल ही अंदाजा नहीं, हम सोच भी नहीं रहे थे कि कोई कनेक्शन हो सकता है, पर कनेक्टेड था जरूर। इतना ही नहीं, वहां मुंबई में एक और कनेक्शन था, वही फाउंडेशन जिस पर यह केस खड़ा था। अरे यार तुम लोगों को कितना टाइम लगेगा यार, सेट पे मेरे आर्टिस्ट आ गए हैं, डायरेक्टर चिल्ला रहा है, चलो अभी। राकेश मैंने ना सारी लाइंस कर ली, एक रिहर्सल ले ले प्लीज। देख सरिता, जिसकी तू बात कर रही है ना उसकी कास्टिंग हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, तेरा शायद चेहरा भी ना दिखे, चल अभी आ जाओ सारे लोग आओ। राकेश ये क्या कह रहे हैं तू? तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे डायलॉग्स दिलवाएगा। देख इंडस्ट्री के जो वादे होते हैं ना उनका बैकअप बैकअप के साथ ही हो जाता है, और अगर वो डायरेक्टर नहीं करना चाहता तेरे साथ काम तो उसमें मैं क्या करूं यार। मैं देख बात करता हूं, अभी चल तू। चलो यार सारे लोग चलो जल्दी, आ जाइए मैडम, आप भी आ जाइए। इस केस में सिर्फ हम ही नहीं बल्कि इस केस के सारे किरदार खुद कह रहे थे कि ये कत्ल 5 लाख के लेन देन को लेकर नहीं हुआ था, पर जिस षड्यंत्र को लेकर हुआ था वो षड्यंत्र इस डबल मर्डर से कम शॉकिंग नहीं था, और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाला था निखिल, जो बड़े पर्दे के सपने लेकर अपने घर से भागा था। आपके कोई रिश्तेदार या निखिल का कोई दोस्त कानपुर में रहता है? नहीं कोई नहीं है, पर कानपुर क्यों? निखिल मुंबई जाने के सपने देखता था। देखिए जब आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी यहाँ पर तब हमने निखिल के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए थे, और तब हमें पता चला कि आपके बेटे निखिल का फोन 16 मार्च की सुबह स्विच ऑफ हुआ था, तब उसकी लोकेशन कानपुर थी,
हमने कानपुर पुलिस को सारी डिटेल्स दे दी। निखिल मुंबई गया है तो ये कानपुर पुलिस क्या करेगी? निखिल मुंबई गया मोहनलाल जी, तो उसका फोन कानपुर कैसे गया? कोई तो कारण होगा, और वो कारण शायद कोई आदमी होगा, और वो आदमी शायद ये जानता होगा कि निखिल मुंबई में कहाँ है, वरना बिना किसी सुराग के मुंबई जैसे शहर में किसी को ढूंढना घास की ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर। बिना किसी सहारे के ये निखिल ने क्या कानपुर मुंबई लगा रखी है? कोई गंभीर समस्या तो नहीं है ना? पापा हमें निखिल को ना मुंबई जाने देना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था। सर ये लड़का 15 मार्च को वाराणसी से भागा था और 16 मार्च को उसका फोन कानपुर में स्विच ऑफ हो गया। मुंबई जाने वाला यहाँ क्यों आया कानपुर में? आशीष सर तुम इस केस में लग जाओ। ये भी हो सकता है कि ये यहाँ इसलिए आया हो क्योंकि इसे यहाँ से किसी के साथ मुंबई जाना हो। जवान लड़का पता करो। जब हमारे बेटे ने सब कुछ सच बता दिया है तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम नहीं मानते कि आदित्य सच बोल रहा है। ना मानने का कोई खास कारण? सुनील मल्ला सिविल का काम किसके घर कर रहा था? आदित्य सिंह। सुनील मल्ला ने अपनी दुकान किसे बेची? आदित्य सिंह। बैलेंस के 5 लाख रुपए के लिए 2 साल से सुनील मल्ला को कौन नचा रहा था? आदित्य सिंह। तो फिर आदित्य सिंह के ड्राइवर आलोक पांडे की सुनील मल्ला के साथ कैसी निजी दुश्मन? वो भी ऐसी वाली कि आलोक पांडे सुनील मल्ला का मर्डर कर दे? आलोक 4 साल से हमारे बेटे का ड्राइवर था, उससे पहले की जिंदगी में वो क्या था ये हमें कैसे पता हो सकता है? ड्यूटी के बाद की उसकी अपनी निजी जिंदगी थी, और सबकी जिंदगी जो दिखती है वैसी ही हो ये जरूरी तो नहीं ना। मंजे तुम्हें क्या लगता है आलोक ने सुनील को क्यों मारा होगा? मैम हमको तो रत्ती भर भी आइडिया नहीं है। दरअसल हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। मंजो तुम्हें पता है ज्ञानी कह के गए कि इंसान की असलियत वो नहीं होती जो वो सोचता है, उसकी असलियत वो होती है जो वो छुपाता है। हम आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं। आदित्य भैया ने जो भी आपसे कहा वही सच है। पर जब हम तुम्हारे आदित्य भैया से बात कर रहे थे तब तो तुम वहां नहीं थी। तो फिर देखिए आपको जो भी बात करनी है आप भैया से कर लीजिए, हमें और कुछ भी नहीं कहना। यकीन मानो मेरा तुम बोलोगी मंजो, जरूर बोलो। आपने हमारे पति को धोखा दिया आदित्य जी, उनकी वफादारी का नाजायज फायदा उठाया आपने। बकवास मत करो मीनाक्षी, तुम्हारे पति को तुम जानती थी, सबसे ज्यादा वो तुम्हारे करीब था। लेकिन सबसे ज्यादा वक्त तो वो आपके साथ बिताते थे ना। तो फिर उसने हमें धोखा क्यों दिया? वो सुनील मल्ला के साथ उसकी क्या निजी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। तो उसने हमें बलि का बकरा क्यों बनाया? आप तो जिंदा, बलि तो हमारे पति की चढ़ गई। और जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ आदित्य जी, क्या आप भुगतेंगे हमारे पति की हत्या का खामियाजा? आप जरूर भुगतेंगे। पहली बात तो हमको यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाकर कानपुर क्यों गया होगा, और दूसरी बात हमको जरा भी हिंट नहीं था कि वो मुंबई भागने वाला है। जी तू भागने के बारे में कुछ ना कहो लेकिन मुंबई जाने के बारे में कुछ तो कहा होगा ना, कोई नाम कोई जगह कुछ भी। नहीं मुकेश भैया, उसको तो मुंबई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। दरअसल हमने ही उसको 2 बातें बताई थी। मुंबई में तुम्हारे जैसों को पता है क्या कहते हैं? स्ट्रगलर। हमको मालूम है, लेकिन पहले शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को भी यही कहते थे, फिर क्या हुआ? इंडस्ट्री ने उनको ढूंढ लिया, बन गए स्टार। अबे वो इतिहास है बे, और तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर तुमको ढूंढ रहा है, और उनको कैसा पता चलेगा कि बनारस के इस वीर का आगमन अब फिल्म नगरी में हो चुका है? बताओ। यही तो आपको नहीं ना मालूम भैया, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और उस पे हमने इश्तिहार पढ़े हैं, लुकिंग फॉर 20-25 ईयर गुड लुकिंग हैंडसम बॉय। ऐसा नहीं होता भाई, वहाँ कास्टिंग एजेंसी होती है, उसका कास्टिंग डायरेक्टर होता है, सारे एक्टर जा करके उनको अपना अपना फोटो देते हैं, फिर जब जैसा जरूरत होता है उस हिसाब से वो अपने हिसाब से तुमको ऑडिशन में बुलाते हैं। तो ऐसा कोई हो तो आप देखो ना मुंबई में, मतलब आप जानते हो जिसको। भाई मुंबई नगरी जो है ना वो सिनेमा की राजधानी है, जितने पनवाड़ी होंगे ना वहाँ उससे कहीं ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर होंगे। अरे तो और अच्छा है ना, मतलब सबको मिल लेंगे, अब सबसे पहला वो कर लेंगे, आशीर्वाद लेंगे और बन जाएंगे स्टार। हमने मुंबई में किसी के बारे में कुछ पता नहीं किया क्योंकि असल में हम खुद वहाँ किसी को नहीं जानते।
अपने वाराणसी में केवल निखिल तो ऐसा नहीं होगा ना जिसको हीरो बनने का चस्का लगाओ, और भी तो लड़के लड़कियां होंगे जिनको तुमने फोटो वोटो लिया हो। नहीं ना मुकेश भैया, उनके फोटोग्राफर अलग होते हैं, बहुत तगड़ा पैसा लेते हैं वो लोग। हमने तो ऐसे यारी दोस्ती में निखिल का पोर्टफोलियो कर दिया था। निखिल ने 10 दिन तक घर में एक फोन तक नहीं किया है। हमसे नाराज हो, मुकेश से नाराज हो, लेकिन अपनी माँ से भी। जीतू, निखिल से तुम्हारी अच्छी बनती थी, तुम लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो। कानपुर में कोई चक्कर वक्कर था क्या उसका? आपका मतलब है लड़की? हाँ, क्या पता उसी के साथ भागा हो मुंबई को। नहीं मुकेश भैया, निखिल की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अगर होती तो वो हमको जरूर बताता, और अगर हमको मालूम होता तो हम आपको जरूर बताते। भाई हम लोग भी रोज तस्वीरें देखते हैं, ऐसा नहीं कि याद नहीं रहती। या देख, अगर इस फेस की कास्टिंग किसी मेल लीड रोल में हुई होती ना तो पक्का याद रहता, लेकिन यहाँ पर ये कोई है ही नहीं। पर वाराणसी में जहाँ से भाग कर आया वहाँ किसी का ये सभी कुछ है। तू अपने डाटा चेक कर, और तेरे कॉन्टेक्ट में जितने भी कास्टिंग एजेंसीज है ना वहाँ पे इसका फोटो घुमा दे। लेकिन यार सुल्तान, दर्जनों कास्टिंग एजेंसीज है और हजारों स्ट्रगलर्स घूम रहे हैं, कुछ भी पता करने के लिए ना सॉलिड टाइम जाएगा। रमेश, यहाँ कानपुर में मैंने निखिल चौधरी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की पर कुछ हाथ नहीं लगा। मुंबई से भी कुछ पता नहीं चला है, कास्टिंग एजेंसी, एक्टिंग क्लास, हर जगह ढूंढा जा रहा है, लड़का हवा हो गया। कानपुर में भी कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। वही तो इशू है, निखिल के फ्रेंड्स फैमिली किसी को अंदाजा नहीं कि वो कानपुर क्यों गया था। उस पॉइंट पर हमारे हाथों में दो केसेस थे, एक सुनील मल्ला और आलोक पांडे का मर्डर केस और एक निखिल चौधरी का मिसिंग केस। हमारे पास कोई जरिया नहीं था ये पता करने कि ये दोनों केसेस एक दूसरे से करीब से जुड़े। पर जब हमने इस डबल मर्डर केस का फोकस पैसों के लेन देन से दूसरे मोटिव की तरफ शिफ्ट कर, तब हमें इन दोनों केसेस का कनेक्शन पकड़ा। मैडम, इस आदित्य सिंह ने आलोक पांडे को मरवाने के लिए कोई सुपारी दी हो ऐसी कन्फर्मेशन हाथ नहीं लगी है। पर आलोक का मर्डर तो हुआ है ना शिवा। हाँ, पर मैडम इस आलोक पांडे और इस सुनील मल्ला के बीच कोई कनेक्शन भी तो नहीं बन रहा है। मतलब तेरे हाथ कुछ नहीं लगा? पर ये उल्टी खबर है, जो अपने आदित्य सिंह है टिम्बर वाले, क्या नाम है उसकी बहन मंजू, हाँ मंजू, उसको कई बार लोगों ने उस सुनील मल्ला के साथ में देखा था। मुझे पहली नजर में डाउट तो हुआ था कि लड़की अपने जज्बातों पर पर्दा डाल रही है, पर शिवा मुझे लगा था कि मंजू का आलोक के साथ कुछ चल रहा है। बाकी इस केस में नया एंगल बना है। मंजू, तुम्हें पता था कि तुम्हारे आदित्य भैया तुम्हारे सुनील को मारने वाले? हमने आपसे कितनी बारी कहा कि हमारे आदित्य भैया ने सुनील को नहीं मारा। पर तुम हमसे ये नहीं कह रही हो कि सुनील तुम्हारा सुनील नहीं था। मंजू, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि सुनील और तुम्हारा लव अफेयर था? हमारे हिसाब से ये रंग आपकी दीवारों का भी पसंद आएगा। बहुत जानकारी है आपको हमारी पसंद की। अरे ये रंग हमारी पसंद के लिए थोड़ा फीका है। और भी है, देखिए। और कोई नहीं है आपके पास? फिलहाल तो नहीं है, पर हम कुछ और हाजिर कर सकते हैं। तो करो जल्दी। ये वाला, ये वाली फील के लिए तो तीन तीन कलर मिक्स करना होगा, थोड़ा मुश्किल है। तुमसे हो पाएगा या नहीं? होगा ना, तुम चाहो तो हम कर देंगे। कभी किसी और के लिए किए? नहीं, आज तक तो नहीं। थैंक यू। वेलकम। अभी थोड़ा थोड़ा जम रहा है। हाँ, अभी ऐसा लग रहा है। सुनील और हमारी दोस्ती हो गई थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन भैया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर माँ को सब कुछ पता चल गया था। क्या हुआ माँ? सुनील मल्ला, आज हमें पहली बार शुक्र महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पापा जिंदा नहीं है ये दिन देखने के लिए। माँ, घर के पैखानों की मरम्मत करने के लिए बुलाया था ना उसे? मंजू, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो किस तबके का है, किस जात का है? इंसान की जात का है, ईमानदार है, मेहनती है, और सबसे बड़ी बात माँ, हम दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करते हैं। बिरादरी की ना कटवा कर तुम दिल लगाओगी? माँ, बिरादरी, जात पात ये कोई नहीं मानता है। वक्त बदल गया है माँ। वक्त का काम है बदलना,
लेकिन जो हम है ना, हम कभी नहीं बदलते मंजू। आदित्य से कहकर तुम्हारे लायक और हमारी बिरादरी का एक रिश्ता लाने के लिए कहने वाले हैं हम। माँ, आप हमारे साथ ना इंसाफी कर रही हैं। ना इंसाफी तो तुम्हारी जवानी कर गई है तुम्हारे साथ, हम तो केवल लगाम दे रहे हैं। और तुमने लगाम नहीं दी, फिर आलोक ने घोड़ा दबा दिया सुनील पर, तुम्हारी माँ के कहने पर। नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो तुम्हारी माँ को पता कैसे चला? हमें नहीं पता, लेकिन उस दिन के बाद से ही आलोक हमें कॉलेज ले जाने और छोड़ने लगा। आलोक, वफादारी सिर्फ भैया से ही होगी या हम भी तुमसे कुछ उम्मीद रखें? मतलब हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हें हम पे नजर रखने को कहा गया है ना? नजर? कि हम कब, किससे और कहाँ मिलते हैं? हमको बोला गया है कि आपको कॉलेज लेके जाना है और कॉलेज से वापस घर लाना है, और कुछ नहीं बोला हमको। आलोक हमारी फैमिली का बहुत भरोसेमंद आदमी था, पर हम सुनील के मामले में उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उस वक्त से हमने कॉलेज वक्त में मिलना बंद कर दिया। फिर पिछले साल हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और मिलना भी फिर से शुरू हो गया, और तुम पकड़ी गई। हम पकड़े नहीं गए, हम लोग इतना सीक्रेटली मिलते थे कि पकड़े जाने का कोई चांस ही नहीं था। चांस था, इसीलिए तो सुनील मारा गया। लेकिन माँ और भैया इस वजह से सुनील को नहीं मार सकते, और हमें नहीं पता सर कि आलोक की क्या प्रॉब्लम थी सुनील से। मंजू, अगर तुमने इस बात का खुलासा पहले कर दिया होता तो किस किस से प्रॉब्लम थी इस बात का खुलासा काफी पहले हो जाता। सर, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे निखिल चौधरी का दोस्त होकर हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, वहाँ उसके माँ बाप हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ आप लोग ऐसे हमसे पूछताछ कर रहे हैं कि जैसे हमने जानबूझ के उसे कहीं छुपा रखा हो। हम तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि निखिल ने तुम्हें कोई अंदेशा दिया था कि वो कानपुर क्यों जा रहा है, किससे मिलने, मुंबई में कहाँ रहने वाला है? सर, हमको इतना भी पता नहीं था कि वो मुंबई जाने वाला है, वो भी घर से पैसे चुरा कर, और हमको जरा भी भनक नहीं थी सर कि कानपुर से उसका क्या ताल्लुक है, न जाने किस चक्कर में फंस गया बेचारा। वैसे सर एक बात बोले, बड़ा अच्छा सीधा साधा भोला भाला सा लड़का है सर निखिल। उसने तुमसे पोर्टफोलियो बनवाया, तुमने मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में उसे बताया, तो कौन सा महा बाप कर दिया सर? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कीड़े पड़े उस आदित्य को, क्यों हमारे बेटे ने उसको दुकान बेची, क्यों मार डाला उसने मेरे सुनील को? पुलिस का कहना है कि पैसों के लिए नहीं मारा सुनील, तो फिर? उनका कहना है कि आदित्य ने भी नहीं मारा। पगला गई है क्या पुलिस? उन्होंने बताया कि आदित्य की बहन मंजू के साथ कोई चक्कर था सुनील का, और जब सावित्री को पता चला तो उसने मरवा दी। सिर्फ इसलिए कि हमारी जात अलग है? सर, सावित्री और आलोक के बीच में कभी फोन कॉल्स नहीं हुए हैं, शायद फेस टू फेस बात हुई होगी, उसके बाद ही आलोक ने जाके सुनील को मारा होगा। बट सर, आलोक को मारने के लिए हथियारे हायर किए गए होंगे। आदित्य सिंह, उसकी बहन मंजू और माँ सावित्री, तीनों डबल मर्डर से लिंक्ड हैं, पर इस वक्त हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत आलोक पांडे मारा गया। आपको लगता है कि आप ऊट पटांग कहानियां बनाएंगे, हम डर जाएंगे, और उसके बाद कह देंगे कि हाँ, आलोक को बोलकर सुनील को हमने ही मरवाया है, क्योंकि हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल रही थी, और उसके बाद हमने आलोक को भी साफ करवा दिया। आलोक तो जिंदा रहा नहीं है ये बताने के लिए कि उसे ट्रकल दबाने के लिए किसने मजबूर किया, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ सावित्री जी कि आलोक ने खुद से सुनील को नहीं मारा। हाँ, हम नाराज थे अपनी बेटी से, सुनील के और उसके रिश्ते को लेकर, और इस रिश्ते के बारे में आदित्य ने ही हमें बताया था। आदित्य ने सुनील और मंजू को मिलते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था? जी। सुनील मल्ला, वो कॉन्ट्रैक्टर। हाँ हाँ माँ, वही, और मंजू अभी भी उसके साथ है। जी तो क्या, घसीट के ले आऊं उसे यहाँ पर और कत्ल कर दूं का। ना बेटा ना, तुम कुछ मत करना, ये लोग होते ही ऐसे हैं, हमारी बेटियों को प्यार मोहब्बत की बातों में फंसा लेते हैं। मैं मंजू से बात करूंगी। हाँ माँ, इसीलिए हमने तब के तब कुछ नहीं किया, लेकिन समझा देना मंजू को कि आज के बाद उस लड़के से सारे रिश्ते नाते तोड़ ले, और आज के बाद आलोक जाएगा कॉलेज उसे लेने और ड्रॉप करने। उस एक ही बार बात हुई थी हमारे मंजू के साथ, और हमें तो मालूम भी नहीं था कि उन दोनों का मिलना
फिर भी चलता रहा। ना ही कभी आदित्य ने हमें बताया और ना ही आलोक ने। और सर हमें नहीं लगता कि उन दोनों को भी इस बारे में कुछ भी पता होगा। सावित्री जी, लगता है आप और आपका बेटा आदित्य फुटबॉल बहुत अच्छे खेलते हैं। आप आदित्य की तरफ धकेल रहे हो और आदित्य आलोक पांडे की तरफ। लगता है दोनों एक ही टीम में खेल रहे हैं। और हमें लग रहा है कि आपने पहले से ही तय कर लिया है कि कौन सी टीम को हराना है और कौन सी टीम को जिताना। सुनील और आलोक मारे जा चुके हैं सावित्री जी, जिंदगी हार गई। दुख है हमें इस बात का, लेकिन वो मैच हम नहीं खेल रहे थे इंस्पेक्टर साहब। हम वैसा मैच खेलते ही नहीं। हम सीधे जाकर सुनील के पिता से मिलते और उन्हें सब सच बताते। हम एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, हमने किसी को नहीं मारा। और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे बेटे आदित्य ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। सर, आदित्य की कस्टडी के 3 दिन बाकी है और हमारे पास उसे एक्सटेंड कराने के कोई ग्राउंड्स नहीं है। यस सर, और ना ही उसकी माँ के खिलाफ कोई सबूत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें उन आदमियों के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है जिनका जिक्र आलोक पांडे ने फोन पर किया था। वो हत्यारे हैं। उन्होंने सिर्फ आलोक का कत्ल नहीं किया है बल्कि इस केस की सच्चाई को भी दबा डाला है। सर, बड़ी चट्टान गांव जहां लोग मारा गया, वहां के सारे हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला पर इंफॉर्मेशन का एक तिनका नहीं मिला। क्या ये केस हमारे हाथ से छूटता जा रहा है? क्या कुछ और है आलोक और इसके कत्ल के बारे में जो हम क्रैक नहीं कर पा रहे? आप और भैया सुनील के जात के परे देख नहीं पाए ना उसे कभी, पर हम उसके अंदर झांक चुके थे। वो वाकई में ही अच्छा इंसान था। हम मिलते थे उसे और उसी से ही हम शादी करने वाले थे। भाग के तो भाग के ही सही माँ, पर आपने मार डाला। आपने हमारे प्यार को मार डाला माँ। क्या कहा तुमने? आपने और आदित्य भैया ने मिलकर आलोक से सुनील को मरवा दिया और फिर आलोक को भी मरवा दिया। आप लोगों के हाथ एक नहीं, दो दो ईमानदार और बेकसूर लोगों के खून के धब्बे हैं माँ। छोटे लोगों के साथ में रहकर तुम्हारी सोच भी छोटी और घटिया हो गई। अपनी माँ पर इल्जाम लगा रही हो? तो फिर आलोक ने सुनील को क्यों मारा माँ? और फिर आलोक को किसने और क्यों मारा? सर, जब से हम जानते हैं जीतू और निखिल दोस्त हैं। बचपन से निखिल को एक्टिंग का शौक था। पर सर, बात क्या है, जीतू कुछ जानता है क्या? वो क्या जानता है अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पर उस पर शक करने का हमारे पास कारण है। क्यों? 15 मार्च को आपका भाई निखिल घर से चला गया। सबको यही लगा कि वो मुंबई गया होगा, पर वो गया कानपुर, क्योंकि 16 मार्च को उसके फोन का लोकेशन कानपुर था और इस जीतू के फोन का लोकेशन भी 18 मार्च को कानपुर ही दिखा रहा है। हाँ सर, हम गए थे कानपुर। कोई जुर्म है क्या? सर, आप लोग हम पे शक क्यों कर रहे हैं? सर, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि हमको नहीं पता था कि निखिल घर से भागने वाला है मुंबई जाने के लिए। हमको ये भी नहीं मालूम कि वो कानपुर गया, किस लिए गया। सर, यहाँ तक कि घर से निकलने के बाद उसने हमको एक फ़ोन तक नहीं किया है। वो तो तुम्हारे फ़ोन रिकॉर्ड्स में दिख रहा है कि निखिल ने तुम्हारे नंबर पर कॉल नहीं किया। लेकिन जीतू, 18 मार्च को तुम कानपुर किस काम से गए थे? जी, एक पर्सनल काम था सर। जब कोई आदमी पर्सनल कहता है तो उसका एक ही मतलब होता है, लड़की। और हमें रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अफेयर किससे चल रहा है, जब तक कि हमारे केस से कोई ताल्लुक ना हो। तो बेटा, जल्दी बता दो कि तुम कानपुर क्यों गए थे, क्योंकि हमें शक नहीं, यकीन सा है कि तुम निखिल के बारे में कुछ जानते हो जो हमें नहीं बता रहे। सर, कोई लड़की का मामला नहीं था सर। वो हमारे एक मौसेरे भाई की डेथ हो गई थी सर, तो उसके क्रियाक्रम में गए थे कानपुर बस। पुलिस कह रही थी कि हम दोनों ने मिलकर साजिश रची है सुनील को और आलोक को मार डालने की। सच बताना बेटा, क्या ये सब तुमने किया है? मां, मत पढ़ो इन सब में। परसों हमारी जमानत की हियरिंग है, बेल हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे। सुनील और आलोक को तुमने मारा आदित्य? मैं सुनील मंजू के साथ खिलवाड़ कर रहा था और उस बेवकूफ को वो बात समझ में नहीं आ रही थी।
और सुनील समझ गया था कि वो समझती नहीं है, इसलिए वो उसके जरिए हमारा, तुम्हारा, हमारी खानदान का, हमारी बिरादरी का मजाक उड़ा रहा था। सेठ, एक बात बोलनी प्राइवेट में। छोटा मुंह बड़ी बात, आपकी बहन मंजू, क्या हुआ? वो लड़का है ना जिसने आपके घर मरम्मत की थी, वही जिसने पुताई पुताई की थी आपके यहाँ, अरे वही जिससे आपने वो दुकान खरीदी थी। सुनील? हाँ सुनील, वो आपकी बहन मंजू को घुमा रहा है। मैंने सामने से तो नहीं देखा है, लेकिन खबर पक्की है कि दोनों मिलते हैं। और एक खबर और है, सुनील का एक कड़िया है, मैं जानता हूँ उसे। बातों बातों में बोल पड़ा कि बोल तेरे आदित्य सेठ को कि मेरे सुनील भाई के पैसे दे दे, वरना सुनील मंजू को तब तक घुमाता रहेगा जब तक आदित्य सेठ पैसे नहीं दे देते। मैंने तो जो सुना वो बताया सिर्फ, मेरा कॉलर पकड़ कर क्या होगा सेठ? माँ, अगर हम मंजू को बोलते कि हमसे पैसा निकलवाने के लिए सुनील उसका इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर रत्ती भर भी फर्क पड़ता? नहीं, आपने बोला था ना उसको, छोड़ दिया छुप छुप के मिलना उससे, तो मार डाला सुनील को। लेकिन बेटा, आलोक की क्या गलती थी? वो तो हमारा वफादार था ना। माँ, हमने किसी को नहीं मारा, वहां एक गवाह भी था, उसने देखा आलोक को गोली चलाते हुए और फिर आलोक वहां से भाग गया, बस यही सच है और कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम आदित्य, जो भी करना था सुनील को जान से मारने की क्या जरूरत थी? तुम उसके पैसे लौटा देते, मैं सुनील के पिता से जाकर बात कर लेती, मंजू से उसका मिलना बंद करवा देते। आप घर जाओ, 3 दिन बाद हम घर वापस लौट रहे हैं, जो हुआ भूल जाओ। देख, अभी 2 लाख दे रहा हूं, 3 लाख अगले हफ्ते दूंगा। हम एक लालबाग के साइड पर है, हम जा रहे हैं चांदपुर, और लालबाग रास्ते में तो पड़ता नहीं है, तुम ऐसा करो राम मंदिर के पास वाले रास्ते पर हमसे मिलो, पैसे वहीं दे देंगे। ठीक है आदित्य जी, हम 10 मिनट में निकल जाएंगे, आपको तो 15-20 मिनट लग ही जाएंगे पहुंचने में। हेलो, चलो। आलोक, पहले राम मंदिर वाले रास्ते से जाएंगे, वहां सुनील को ये पैसे देने हैं। जी भैया। एक काम और करना है हमें, क्या सुनील को खत्म करने? हाँ आलोक, वो हमारी इज्जत खत्म करने पे तुला है, हमारी बहन मंजू के साथ खिलवाड़ कर रहा है, नचा रहा है उसे कठपुतली की तरह। आलोक, तुम हमेशा से हमारे मुलाजिम कम और घर के सदस्य ज्यादा रहे हो, आज हमारी बहन की जिंदगी दांव पर है, हमारी मदद नहीं करोगे? आलोक, पहले हम गाड़ी से उतरेंगे, उसको पैसे देंगे, उसे जरा भी भनक नहीं होगी कि क्या होने वाला है, फिर हम वापस आके गाड़ी में बैठ जाएंगे और तुम्हें इशारा करेंगे और तुम जाओगे, उड़ा डालोगे उसे, शायद एक गोली कम पड़े, दूसरी डालनी पड़े, पर याद रखना आलोक, करीब से उड़ाना उसे, सोचो मत आलोक, कर दो। आलोक, हमारी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, ये लो पूरे 2 लाख हैं, बस बाकी ये 3 अगले हफ्ते दे दीजिएगा, जान में जान आ जाएगी। अरे तुम्हारी जान लेने का हमारा कोई इरादा नहीं, अगले सोमवार फोन पर बात कर लेंगे, बाकी बैलेंस तब क्लियर कर देंगे। कट्टा दे आलो, क्या हुआ?
हेलो क्या कर रहे हो ये? कहे क्या आपने ऐसा? आप हमको फंसा रहे हो? देखो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, हम है ना? अच्छा तो फिर कट्टे को रुमाल से कहे पकड़े, हमको बेवकूफ समझते हैं आप? हम पर बंदूक तानोगे अपने मालिक पर? क्यों किया आपने ऐसा? कहे मोहरा बनाया आप? अपने घर की इज्जत बचाने के बहाने आपने आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। अरे किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई नहीं पकड़े जाएगा। हम बेवकूफ तो जो आपकी बातों में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली हमने। हम जा रहे हैं और लौट के कभी नहीं आएंगे। हेलो सच बताना बेटा, क्या ये सब तुमने किया है? मां अगर हम तुम्हें बता दें कि हाँ हमने ही आलोक के हाथ सुनील को मरवाया है तो तुम्हें लगेगा कि हमने ही आलोक को भी मरवाया है, पर ये बात सही नहीं है। हमने आलोक को नहीं मरवाया, लेकिन ये आलोक की मौत हमारे लिए एक तीर से दो निशाने हैं। हालांकि आलोक को हमने कभी निशाना नहीं बनाया था। ये सब तुमने कराया है? आलोक पांडे? हाँ जी, आलोक पांडे कन्नौज से। जैसे मैंने नाम सुना मुझे आपका केस याद आया। तो तुम्हारे मौसी का बेटा जो मर गया, जिसके क्रियाक्रम में तुम गए थे, कहाँ रहता, नाम क्या था, आग कहाँ दी गई उसे? आग तो कानपुर में ही दी गई और उसका नाम था आलोक पांडे। तो तुम्हारा ये मौसेरा भाई आलोक पांडे मरा कैसे? आपने तो मतलब क्लास ही लगा दी हमारी सर। आपने हमसे पूछा कि कानपुर क्यों गए थे, हमने बता दिया। अब सर आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं सर, अब क्या आलोक पांडे के बारे में हर बात पूछेगा हमसे? दो तीन बार आलोक पांडे जब ये नाम कानों पर पड़ा तब अचानक से एक बात खनकी, कहीं ये आलोक पांडे वही तो नहीं आपके डबल मर्डर केस वाला? हाँ वही है। ये सिर्फ एक इत्तफाक है या फिर इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन है? सर एक वाराणसी का मिसिंग केस है निखिल चौधरी का, जो शायद मुंबई भाग गया था, और दूसरा इंटरकास्ट डबल मर्डर केस है कानपुर का। अब कनेक्शन ये है कि निखिल उसका दोस्त जीतू जितेंद्र तिवारी कानपुर के विक्टिम आलोक पांडे का मौसेरा भाई है। सर निखिल चौधरी की स्टोरी भी अलग है, हीरो बनने के लिए निकला वाराणसी से वाया कानपुर शायद मुंबई के लिए, लेकिन अपना कानपुर में और ना ही मुंबई में उसका कोई अता पता नहीं। जी हाँ, जीतू भैया यहाँ आए थे। जीतू भैया आलोक के सबसे करीबी भाई हैं। दरअसल आलोक का और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। मीनाक्षी जी, ये जीतू आलोक पांडे का इकलौता करीबी रिश्तेदार है? जी हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्या जीतू का इसमें कोई हाथ है? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ मीनाक्षी, हाथ है? रमेश, इस जितेंद्र तिवारी उस जीतू को क्रैक करना ही होगा। मुझे नहीं लगता ये दोनों केसेस इत्तफाक से जुड़े हैं। जरा अंदाजा लगा के देखो, 15 मार्च को निखिल चौधरी वाराणसी से गायब होता है, फिर 16 मार्च को उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ होता है कानपुर में, उसके बाद उसका खास दोस्त जितेंद्र तिवारी उस जीतू 18 मार्च को कानपुर आता है अपने कजन आलोक पांडे के क्रियाकर्म, जो 16 मार्च की रात और 17 मार्च की सुबह के बीच हुआ। हाँ सर, मुझे भी इस जीतू पर तगड़ा डाउट जा रहा है, इसकी तुड़वाई शुरू कर देता हूँ। ये दोनों केसेस हमें एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं, इतना बड़ा इत्तफाक तो नहीं हो सकता। हमारे इस केस की हकीकत जुड़ी है इन चार डेट्स के बीच, 15 और 16 मार्च की रात, 17 मार्च की सुबह और 18 मार्च जिस दिन आलोक पांडे का क्रियाक्रम किया गया था। बस ये जितेंद्र तिवारी और जीतू क्रैक हो जाए उसके बाद हमारा केस भी क्रैक हो जाएगा। अरे वाह, चाइनीज। कोई पार्टी वार्टी है क्या? किस खुशी में? परमानेंट ड्राइवर की नौकरी लग गई ट्रेवल एजेंसी में, और पगार भी ज्यादा है तो पार्टी तो बनती है ना। अरे वाह, ये जो साजिश है इसका थोड़ा बहुत स्केच बना लिया हमने, अब तो हमें ये बता कि एक्चुअल में क्या हुआ था। बाल!
सर वो आलोक भाई फंस गए थे सर, उनके मालिक आदित्य ने धोखे से उनसे एक आदमी का कत्ल करवा दिया सर, जिसका मालिक की बहन के साथ चक्कर चल रहा था। सुनील मल्ला जी, मंजू सिंह, आदित्य सिंह की बहन जी, तेरा क्या किरदार था सब कुछ पता। अरे आलोक भाई, आलोक भाई कहाँ थे आप? अभी मीनाक्षी भाभी का फोन आया था, बहुत डरी हुई थी वो, क्या हुआ क्या है? ये तो हमें लग गई यार, हमारे मालिक आदित्य ने हमको बहुत बुरी तरह फंसा दिया। क्या हुआ क्या है? हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे, आदित्य ने हमको ये कट्टा हमको थमा दिया और हम चला दिया यार, हमको पता नहीं क्या हो गया था, इस कट्टे से हमने एक आदमी की जान ले ली। जान ले ली? कौन आदमी था? सुनील मल्ला नाम था उसका, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, ना दुश्मनी थी और ना ही दोस्ती थी, मालिक ने बोला और हम चला दिया यार। आलोक भाई, अब जो हो गया सो हो गया, तकदीर में लिखा था उसको बदल तो सकते नहीं। अभी मीनाक्षी भाभी का फोन आया था, बहुत ज्यादा रो रही थी, मैंने उनको बताया नहीं कि आप यहाँ पर हो, पर वो बता रही थी कि पुलिस वालों ने बोला है कि आपको गोली चलाते हुए किसी ने देख लिया। आलोक भाई उस आदमी को मारना नहीं चाहते थे सर, सर उन्हें मजबूर किया गया था खून करने के लिए। और इस खून के बाद आलोक ने जो फोन किया कंट्रोल रूम में, जाहिर सी बात है वो झूठा था, कोई पीछा पीछा नहीं कर रहा था, है ना? हाँ सर, कोई पीछा नहीं कर रहा था। तो फिर बलि का बकरा किसे बनाया? निखिल चौधरी को? यार जीतू, हम रात भर सो नहीं पाए, 5 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। यार ऐसे बिना सोए छुपते छुपाते आप कितने दिन निकाल लोगे? और आपके पास छुपने की कोई जगह भी नहीं है। जगह है। कहाँ? सरिता। है? उसको लेके आओगे बीच में? हम हमेशा से सरिता के साथ ही रहना चाहते थे। सब मर्डर वर्डर के बीच में आप यहाँ से मुंबई जाकर के रहोगे? पुलिस आपको ढूंढ लेगी, वो तो बेकार में फंस जाएगी। अगर हम मर गए तो क्या? अगर हम यहाँ मर गए तो? मर गए तो मतलब क्या होता है यार, मर क्यों जाओगे यार? देखो जीतू, अगर हम यहाँ मरे ना तो पुलिस हमको ढूंढना बंद कर देगी और हम यहाँ लौट के वापस कभी नहीं आएंगे, मुंबई चले जाएंगे और वहीं हमेशा रहेंगे सरिता के साथ। आप ना सटिया गए, बावले हो गए हो। बावली तो हमारी तकदीर हो गई है, बैठे बैठा एक अच्छा भरोसेमंद ड्राइवर से कातिल का ठप्पा लग गया चेहरे पे, ठप्पा तो हटा नहीं सकते तो चेहरा तो बदल सकते हैं ना। देखो जीतू, अगर हम यहाँ मर गए ना तो मीनाक्षी को कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि हम उससे प्यार करते हैं, और सरिता से भी कह पाएंगे कि हम उससे शादी करना चाहते हैं। आलोक भाई, आप यहाँ पर मर करके बम्बई में कैसे जिंदा हो जाओगे? जीतू तुम समझ नहीं रहे हो, हम नहीं मरेंगे, हम ना किसी और को मारेंगे, जो हमारे जैसा दिखता होगा, जो हमारी कदकाठी का होगा। जीतू, हम दुनिया को यकीन दिलाएंगे कि आलोक पांडे मर चुका है, फिर जैसे जैसे आदित्य ने हमको फंसाया ना, वैसे हम उस आदित्य को फंसाएंगे अपने कत्ल के इल्जाम में और उस सुनील के कत्ल के इल्जाम में। आदित्य जेल में कैद होगा और हम बम्बई में आजाद होंगे हमेशा के लिए, इस कत्ल से और मीनाक्षी से। आलोक भाई देखो, प्लान तो सही है, हम लोग मारेंगे किसे? आपकी कदकाठी वाला आदमी हमको मिलेगा कहाँ? हेलो जीतू भैया, फोटो प्रिंट रेडी हो गए क्या? अच्छा तो मैं लेने आऊँ? ठीक है ठीक है। आलोक भाई, एक लड़का है निखिल, इसकी कदकाठी भी लगभग आपके जैसी है, अपने काम आ सकता है क्या? हाँ आ तो सकता है, हम बटाने की कोशिश करते हैं। हमारी जिंदगी बचा ले यार, खुद एहसान होगा तेरा। बढ़िया फोटो आई भैया। यार पहले कभी हम तुमसे बात कहे नहीं है, लेकिन आज कहते हैं, कहते हैं कहिए ना भैया। भैया तुम में दम है और तुम्हारे लिए ना जगह बन सकती है मुंबई में। आपके मुंह में केसर रबड़ी भैया, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अरे तो पहले बताते ना, बोलिए। तो क्या है, हमारे एक मौसेरे भैया हैं जो मुंबई में रहते हैं, उनकी एक टॉप की हीरोइन से पहचान निकली है। कल रात को हम उनसे बात कर रहे थे तो बातों बातों में बात निकली। अरे भैया ये तो बहुत सुपर बात है, और आपके भैया तो
हमारे लिए कुछ तो करेंगे। अरे बिल्कुल, सबसे पहले हमने यही बात की उनसे, और उन्होंने क्या कहा? बोले कुछ तो हो सकता है भाई। आप उनसे कहिएगा कि हमको अगर एक चांस देंगे ना, कहेंगे तो हम आग में भी कूद जाएंगे। तुम्हारे लिए ना सबसे बड़ा आग का दरिया तुम्हारे घर वाले हैं, उसे कैसे पार करोगे? मम्मी पापा मानेंगे? तुम्हारे ये मुकेश भैया मानेंगे? अभी नहीं, लेकिन हम इतने बड़े बेवकूफ नहीं कि इतना बड़ा मौका जाने दें। जाओ जाओ, तुम घर जाओ। अरे भैया मेरी, अरे तुम घर जाओ, अपना बैग पैक करो, थोड़े पैसे इकट्ठा करो, और 15 मार्च की रात को चुपचाप बिना किसी को बताए यहाँ आ। ठीक है, फिर? फिर क्या, हम और तुम जाएंगे कानपुर, जहाँ मुंबई से मेरे भाई आए हुए हैं, और 16 को ही उनको वापस मुंबई जाना है। और मेरे भाई, इस बार तुम जाओगे उनके साथ। तो हमको लेके जाएंगे? हाँ हाँ, बात कर ली है हमने, पक्का। अरे पक्का, बस एक बात का ख्याल रहे कि हमारी ये जो बातचीत है ना, इसके बारे में यार किसी को पता नहीं चले, वरना तुम्हारा मुंबई जाने का सपना ना धरा का धरा रह जाए। अरे नहीं नहीं गंगा, मैं ये कसम नहीं बताई। शाबाश, तो फिर 15 की रात को मिलते हैं यहीं। 15 मार्च की रात काफ़ी देर हो गई थी, आखिर में निखिल हमारे स्टूडियो आया। हमने अपना मोबाइल स्टूडियो में ही छोड़ दिया और निखिल को लेकर कानपुर के लिए निकले। आजा भैया, मुंबई की ट्रेन आज रात की है क्या? यार भाई को बेटर पता होगा, उनके मूड पे डिपेंड करता है। ट्रेन तो ट्रेन, वरना फ्लाइट तो फ्लाइट। अच्छा भैया, फ्लाइट का जो खर्चा हमको बता देना, हम घर से पैसा लेके आएंगे। अब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, वो देख लेंगे भाई, देख लेंगे। आलोक भाई के पास आदित्य सिंह का दिया हुआ कट्टा था और कुछ गोलियां भी बची थी उनके पास। आलोक भाई ने वहीं पे अपना मोबाइल ऑन किया और पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, और उसके बाद हमने निखिल के शव को आग दी। मुंबई की वो टॉप एक्ट्रेस सरिता, उसका नंबर और एड्रेस है। जी, आलोक पांडे को बुलाइए। आलोक, क्या है? आलोक पांडे, एक गलत आदमी की चिता को अग्नि देने की बात सुनकर तेरी बीवी बहुत सदमे में है। चल, अब तेरी चिता रेडी हो चुकी है। एक सेकंड, आपको कोई गलत फहमी हुई है, आलोक शादीशुदा नहीं है। आप सरिता? जी। ये ना सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि एक बच्ची का बाप भी है। अपने हाथों से हुए खून से बचने के लिए इसने एक मासूम की जान ली, उसे अपनी पहचान दी। ये ना सिर्फ ढोंगी है, बल्कि खूनी भी है। जो हाल आपका यहाँ है, वही हाल वहां मुंबई में उस सरिता का भी है। वैसे वो भी यहीं कानपुर की ही है। मीनाक्षी जी, आपके पति आलोक का और इस सरिता का पिछले 3 साल से चक्कर चल रहा है, और पिछले 3 सालों में वो इसे झांसे ही देता है कि वो कुंवारा है और इसे शादी करेगा। आलोक ने ये दूसरे आदमी को मारना, ये सब ढोंग, और इसे छुटकारा पाने के लिए किया। मीनाक्षी जी, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो पहला कत्ल करके फंस गया था, पर फिर उसने सोचा कि ये ढोंग करके वो अपने प्राण भी बचा लेगा और आपसे छुटकारा भी मिल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी कब थी, जब उनकी मौत के बारे में पता चला तब, या ये पता चला कि उनका प्यार मेरे लिए 3 साल पहले ही मर चुका था। सोच रही हूं क्या वाकई मैं इस आदमी को जानती हूं या नहीं। उन्होंने निखिल का बैग और उसकी सारी चीजें जला दी, सिवाय उसकी लाश के, जिसे उन्होंने आधा जलाकर छोड़ दिया था, और बाद में जिसका क्रियाकर्म भी कर दिया, ये समझ करके कि आलोक पांडे की लाश।
आदित्य, ये आलोक है। आलोक, ये आदित्य। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो ना? अब जेल में बैठो और अपना दिमाग लड़ा के एक नई कहानी बनो अपनी सफाई में। इतने भयंकर तरीके से सुनील को मार डाला भैया ने, अब आप बताइए जात बिरादरी खानदान क्या औकात रह गई इन सब की? हाँ बोलिए ना सच, जमाने के साथ ना चलने में कौन से क्या फायदे हुए? कानून तोड़कर इंसानियत का कत्ल करके क्या हासिल हुआ? सुनील मल्ला और निखिल चौधरी दोनों के मर्डर्स, दोनों ही कोशिश थी एक परफेक्ट क्राइम को प्रेजेंट करने की। और अगर निखिल के बहके कदमों को सीरियसली मिसिंग केस के तौर पर ना लिया जाता तो यह परफेक्ट क्राइम हो सकता था। हो सकता था, पर हुआ नहीं। ये दोनों मर्डर्स परफेक्ट से कोसों दूर थे। और यही एक थॉट, यही एक आइडिया हम ऑफिसर्स को बार बार अपने दिमाग में दोहराना होता है कि हमें परफेक्ट क्राइम की धारणा की कमर तोड़नी। हमें याद दिलाना होता है सभी को कि कॉन्फ्लिक्ट चाहे किसी भी प्रकार का, अनमन मतभेद चाहे जो भी हो, उन्हें बातों से हल किया जा सकता है। बातचीत का रास्ता सबसे सही रास्ता होता है, भले ही वो शुरुआत में मुश्किल क्यों ना लगे। नफरत भरा गुस्सा जब बंदूक या चाकू का रूप धारण करता है, जाने देता है, तब दो सच्चाइयां सामने आती हैं। एक, विक्टिम के करीबी लोगों का ना मिटने वाला दर्द, और दूसरी, गुनहगार को मिलने वाली ना माफ होने वाली सजा, जो कम दर्दनाक नहीं होती। जुर्म सिर्फ दर्द दे सकता है, हल कभी नहीं। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।